और वहां से क्यों नीचे धीरे धीरे गिर रहे हैं ये देखिए आप। चलो भाई मैं बन गया हूँ नाई, देखो मेरे हाथ में है ट्रिमर। भाई हो गई है तैयारी बाल काटने की, चलो आपको दिखाते हैं कि मैं कैसे। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों मेरा नाम है संजय सूर्य रावत और मैं हूँ बांसी गांव से। तो चलिए दोस्तों, हो चुकी है आज की सुबह और आज के ब्लॉग की शुरुआत, और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई। ये देखिए, समझ गए होंगे आज सोमवार है सावन के महीने का, और मैं जा रहा हूँ भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए, यानी कि जलाभिषेक के लिए। चलिए जी, आज आपको दिखाते हैं घराट, यानी कि जो हमारे गांव में घाट है, यहाँ से पानी का स्रोत है। और ये निकला भाई पानी, और यहाँ से नहर बनी हुई है पानी के लिए, ये देखिए। और यहाँ से होते हुए ये नहर जा रही है घाट की तरफ। यहाँ पर हमारा स्विमिंग पूल भी है, ये पानी जा रहा है यहाँ से पंडाले से। और ये लकड़ी वाला है, यानी कि लकड़ी की नहर बना रखी है, और यहाँ से होते हुए सीधे घराट में जा रहा है। चलो आपको दिखाते हैं नीचे घराट, जहाँ पर ये पानी जा रहा है, और इस पानी के थ्रो जहाँ पर टरबाइन घूम रहा है। ये देखो यहाँ पे, ये पता नहीं किस सोच में पड़ी हुई है, इसको मेरे आने का भी एहसास नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये देखो यार, इसको पता ही नहीं चला मैं आ गया यहाँ पे। और ये है भाई यहाँ भेरण, और ऊपर से पानी गिर रहा है, और पानी के फोर्स से ये भेरण घूम रही है। इस भेरण को हम टरबाइन भी कहते हैं, और ये टरबाइन ऊपर एक कील से ज्वाइंट हो रखी है, और ऊपर पत्थर का घट है, यानी कि चरखी है पत्थर का बहुत बड़ा घराट, और उस पर अंदर आटा पिसा जा रहा है। अच्छा, चलूँगा आटा पिसा जा रहा है यहाँ पे। क्या एक्चुअल लगी हूँ? अच्छा, इनका लगा हुआ है, अभी इनकी बारी चल रही है और इनका आटा पीस जाएगा, तो फिर चाचा लोगों का यहाँ पर आटा पीसा जाएगा। और यहाँ देखिए, अंदर दिखाते हैं आपको, ये देखो ये चल रहा भाई यहाँ पे हमारा घराट, जिस घट के हेल्प से ठकड़ना हिल रहा है, ठकड़ना से कंपन हो रहा है इस रोडों पे, और वहाँ से क्यों नीचे धीरे धीरे गिर रहे हैं ये देखिए आप, और धीरे धीरे ये क्यों नीचे गिर रहे हैं और पिस के यहाँ आ जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल तो सुबह से इतना पिस दिया है, और रात भर भी ये चलता रहता है, और दिन भर भी। तो अभी तो इन लोगों की बारी चल रही है यहाँ पे, और अभी चाचा लोगों का आटा लगने वाला है, यानी गेहूँ लगने वाला है, और उसके बाद हम लोग भी पीसने वाले हैं। चलो भाई, बाकी यहाँ देख लो आप, हरियाली हरियाली है हर जगह, धान उड़ के है, और दो तीन महीने बाद ये भी पक जाएंगे, तो चलते हैं घर। ये है भाई बटियारगढ़ घाट, अभी आप मेरे पीछे देखिए, ये गजरा कितने शांतिपूर्वक बह रहा है, और इसका पानी इतना साफ लग रहा है, मन कर रहा पूरा पानी पी जाऊँ, और मन ये भी कर रहा है कि अभी नहा लूँ यहाँ पे, लेकिन अभी कोई दगड़े नहीं है मेरे साथ, दोस्त नहीं है मेरे साथ यहाँ पे, तो बिना दोस्तों के यहाँ पे नहाने का मन भी नहीं करता है अकेले अकेले। मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन सुबह नहा के आ रखा हूँ मैं, और इस वजह से अकेले अकेले तो नहीं नहाऊँगा मैं यहाँ पे। कितना साफ पानी है इसका, स्वच्छ शीशे की तरह चमक रहा है, लेकिन भाई अपने टाइम पे ना ये गजरा बहुत विकराल हो जाता है, ख़तरनाक हो जाता है, और दूर दूर तक देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर बहा के ला रखा है। ये तो पिछले साल ये भयंकर रूप में थी, और इसने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया था। इसका उदाहरण ये देखिए पीछे, यहाँ पर तीन तालाब थे मछली पालन वाले, तीनों के तीनों बहा लिए इसने, और वहाँ पर ये कमरा भी बना हुआ था, वो कमरा भी इसने बहा दिया, और यहाँ पर लाखों का नुकसान हो गया था। और यहीं पे नहीं, ऊपर तो बहुत भयानक हो रखा है, सड़कें भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो रखी हैं, और वो सड़कों के जो किनारे वाले पुश्ते थे वो अभी तक भी नहीं बने हैं, एक साल हो गए हैं, और ये दूसरी बरसात चल रही है, और अभी भी भगवान जाने क्या होने वाला है आगे। और हमारी सरकार सो रखी है मस्त करके, सरकार को कोई मतलब नहीं इस गधेरे से, और इस गधेरे से हुए हुए नुकसान से। कृपया ध्यान दें, अगर आप सफ़र कर रहे हैं और आपके सफ़र के दौरान कहीं रास्ते में या सड़क पर ऊपर से आकर पत्थर गिरे हों या मलबा गिरा हो, और अगर आपके बस में है, तो कृपया अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन पत्थरों को रास्ते से साफ कर लें, अन्यथा ये आपके लिए आने वाले समय में परेशानी का कारण बने रहेंगे, या फिर आने वाले जो यात्री हैं और गाड़ियाँ हैं उनके लिए भी परेशानी का कारण बने रहेंगे। और अगर आप ये सोचेंगे इन पत्थरों को या फिर इस मलबे को सरकार ही साफ़ करेगी या फिर अन्य लोग साफ़ करेंगे, तो अन्य लोग भी यही सोचेंगे कि कोई अन्य आकर इसको साफ़ कर लेगा, और फिर ये आपके लिए परेशानी का कारण बने रहेंगे। और मुझे ही देख लीजिए,
मैंने अपना बैग यहाँ पर रख दिया है, अपनी गाड़ी आगे पर रोक दी है, क्योंकि ये मुझे लग रहा था कि परेशानी का कारण बन रहा है। और मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ, जहाँ भी मुझे पत्थर दिखते हैं मैं उन पत्थरों को साफ़ कर लेता हूँ, आप भी कीजिए। और ये सब हमारा समाज पे कोई ऐसा नहीं है, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो चलते हैं, इन पत्थरों को साफ़ करते हैं और निकलते हैं घर के लिए। ये देख लीजिए, सारी सड़क साफ़ कर दिया मैंने, थोड़ा बहुत यहाँ पर कंक्रीट रह गए हैं, बाकी बड़े पत्थर तो मैंने किनारे कर दिए। और ये वाला पत्थर देखिए, ये वाला कितना बड़ा पत्थर था, इसको हटाने में मेरा दिमाग ख़राब हो गया, फिर भी मैंने इसको किनारे कर दिया है। तो चलते हैं घर, लेट्स गो। भाई आजकल चल रहा है सावन का महीना, यानी कि सोनो महीनू, और सावन के महीने को कहते हैं लोग अंधेरा महीना। और इस अंधेरे महीने भाई अंधेरी धूप लगी रहती है, यानी कि अंधेरू घाम। और इससे भी ख़तरनाक जो धूप लगने वाली है, अब भादों के महीने लगने वाली है, और भादों के महीने की जो धूप होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है। लोग बाहर नहीं निकलना चाहते हैं भादों के महीने। लेकिन भादों के महीने सबसे बढ़िया जो सहूलियत है वो ये है कि अब आम पकने वाले हैं भाई, और भादों के महीने हमें देसी आम पके हुए मिलते हैं गाँव में। और आज तक तो हम बहुत समय से इस सीज़न पर घर ही नहीं रहते हैं, हर बार हम बाहर ही रहते हैं, लेकिन इस साल ऊपर वाले की ऐसी माया चल रही है, ऐसी माया चल रही है कि मैं घर ही में हूँ। तो इस साल तो आमों का मज़ा लेंगे, यानी कि आमों का लाभ उठा ही देंगे हम, और अगली बार ऐसा मौका मिले ना मिले। ये धूप भी चली गई है भैया, और यहाँ पर जौ और गेहूँ भी सुखाने के लिए रखे हुए थे। और अब देखो ये आम काफ़ी बड़े हो चुके हैं, और इनसे अचार बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है। यहाँ देखिए ये आज ही ले आए, कितने किलो हैं ये आम, कितने किलो आम होंगे? 5 किलो 5 किलो आम है भैया, देखो। और चाचा जी लेके आए 5 किलो आम वहाँ से, उस पेड़ से। भैया उस पेड़ पे जितने भी आम थे वो सारे के सारे लंगूरों ने झाड़ दिए नीचे। और ऊपर वाला आम जो है वो उसे कहते हैं हमारे यहाँ उकालियू आम। तो जो उकालियू आम है भैया वो बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। अब ये भी पकने वाला है। तो आम हमारे गाँव में बहुत होते हैं भैया। तो आजकल भाई आम पक चुके हैं, और जो आम कच्चे हैं वो अचार के लिए भी पक चुके हैं, यानी कि अचार लायक हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर लोग अचार भी बना रहे हैं आम का। और जो आम बेसिकली पकने के बाद मीठे नहीं होते हैं, उन आमों का यूज हम लोग अचार बनाने में कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए चाची कॉमेडी कर रहे हैं। चलो भाई मैं बन गया हूँ नाई, देखो मेरे हाथ में है ट्रिमर, और यहाँ पर हैं चाची। तो चाची के बाल काटते हैं, फिलहाल भी चाय चल रही है, और धूप भी निकल गई भाई ऊपर ऊपर। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं कैंची, कैंची पता नहीं कहाँ है। अब 2-3 बक्से हमने ढूंढ लिए हैं, 2-3 बक्सों में हमने ढूंढ लिए भाई कैंची। जैसे कैंची मिलेगी हम बाल काटने चलेंगे, और उसके बाद देखते हैं कि बाल कैसे कटे हैं, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और ऐसे ही कुछ स्टाइल में मैं चाची के बाल काटने वाला हूँ, जैसे अपने बाल काटे हुए हैं इसी तरीके से। ये हेयर स्टाइल सही रहेगी, ला भाई ला ला ला, ये देखो ये हथियार भी मिल चुका है। तो चलते हैं भाई, हो गई है तैयारी बाल काटने की। चलो आपको दिखाते हैं कि मैं कैसे बाल काट के दिखाता हूँ मैं, और अच्छे बाल काटूंगा तो भैया बता देना, नाई की दुकान खोल दूंगा एक मैं। अच्छा आप ये तो तैयार, दूसरा क्या बनाऊँ मेरी वीडियो। ये हो गई हेयर कटिंग, काट दे बाल चाचा जी, पैसा करा बाल जरा। ये देखो भाई, तो ये घरिया नाई है भाई, और स्टार्टिंग में बाल काट रहा हूँ। तो देखना जरा, कमेंट करना सही काटे या गलत काटे। तो ये है भाई एक और नया नाई, सुरेंद्र सूर्य रावत। तो सुरेंद्र सूर्य रावत सैलून, आप देख सकते हैं भैया कैसे चल रही है यहाँ पे मार्केटिंग। तो फर्स्ट टाइम काट रहा हूँ बाल, लेकिन देख लिया होगा आपने, ठीक ठाक ही काटे हैं मस्त करके। शाम के 6 बज चुके हैं, और हम जा रहे हैं ऊपर धनाई खील। कहाँ जा रहे भाई, क्यों जा रहे हैं? नहीं। ये कह रहे हैं नहाने जा रहे हम, लेकिन हम नहाने नहीं जा रहे हैं। धनाई खील में है ऊपर पे आम का पेड़, और हम जा रहे हैं आम निकालने के लिए, ठीक है। और काफ़ी साल गुजर चुके हैं जब से हमने धनाई खील पे जाके आम नहीं निकाले हैं। ये देखिए बहुत सारे आम गिरे हुए यहाँ पे, और वहाँ पे बहुत टेस्टी आम है, काफ़ी मीठा आम है। और हम जा रहे हैं ऊपर पे आम कलेक्ट करने के लिए। ये देखिए भाई, ये पका हुआ आम मिल गया मुझे, ये बहुत मीठा होता है। और ऊपर चलते हैं धराई खेल पे, वहाँ पे बहुत सारे आम है। प्रणाम लगे हैं चुनाम, चाचा प्रणाम प्रणाम बाबा, ठीक है। हाँ सर, तुम्हारे भी स्वास्थ्य, चाचा प्रणाम।
ये देखो भाई, हाँ यहाँ महिला मंगल दल की मीटिंग चल रही है। फिलहाल इस आम का मजा लेते हैं और मिलते हैं आपको ऊपर सीधे आम के पेड़ पे। अभी हम पहुँच चुके हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिरवाणी, राजकीय विद्यालय मेरा गौरव, हमारे गांव का जो प्राइमरी स्कूल है। ये देखिए बहुत अच्छी अच्छी लाइनें लिखी हुई है भाई स्कूल पे। यहाँ थोड़ी ही ऊपर पे है आम का पेड़ और आज आम के पेड़ में जाके जो टहनियाँ हैं उनको हिलाएंगे भाई। पके हुए हैं भाई, पके हुए। अरे ये देख पीले पीले, ये है ऊपर आम का पेड़ और इस पर अभी पीले पीले आम दिखाई दे रहे हैं। वो मैं खा लूँगा। खा लेंगे लेकिन पहले कलेक्ट करेंगे। पहले मैं एक खाऊंगा। और ये देख भाई बहुत टाइम हो गया यहाँ से आम खाए हुए। इस आम के पेड़ पे हम बहुत सालों से नहीं आए हैं, यानी कि इस पेड़ से हमने बहुत सालों से आम नहीं खाए हैं। ये है भाई पका हुआ आम, बहुत ही मीठा है। मज़ा आ गया भाई। ये देखो बहुत मीठा आम है, ये छोटा है लेकिन बहुत मीठा है। अब मैं ऊपर पेड़ पे जाऊंगा, उसकी टहनी को हिलाऊंगा और जो भी आम गिरेंगे ना वो नीचे ये दिव्यांशु कलेक्ट कर लेगा। तो चलते हैं ऊपर पे, इसकी टहनी को हिलाते हैं और जो भी आम कलेक्ट होंगे तो उठा देना है सारे आम और अपने आम मत भगा देना घर। हम क्या करेंगे? बट्टी बाटी करेंगे, बाटी साथ तेरे साथ मेरी। तो आम के पेड़ में दोस्तों जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं नहीं जा पाता हूँ, आपको जब भी लगे कि आम के पेड़ में चढ़ना मुश्किल है और कैसे चढ़े तो फॉलो मी, चलते। कितने शेक लगे? पाँच है? दुई। अभी इस पे नहीं है, दिखी वो उंगली मत। पड़ गया भाई, पड़ गया। हाँ सारा कांच आम पड़ना। ये गिर गया, ये देख पीला पीला है। तो उतर गया मैं पेड़ से और भाई साहब अभी आम पके नहीं है, इनका सीजन कम चल रहा है बाल कर। और हमें कितने आम मिले हैं? 8-10 आम मुश्किल से, हम दोनों के लिए बहुत हैं। तो ये दिव्यांशु आम धो रहा है फिलहाल। दो भाई हो गया, पॉलिथीन पे ही पानी भर रखा है। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ लंगूर और बंदर बहुत ज़्यादा हो गए हैं और सारे पेड़ों में लंगूर और बंदर ही उछल कूद कर रहे हैं और खाते कम हैं और नीचे गिराते ज़्यादा है। तो आधे से ज़्यादा आम तो बंदर और लंगूर नहीं गिरा दिए नीचे और अभी आम पकना शुरू ही कर रहे हैं, पकना शुरू ही कर रहे हैं। 2-4 आम मिले मुझे और बाकी तो आम सारे कच्चे ही हैं। तो मुझे लग रहा है 1 महीने के अंदर अंदर सब पक जाएंगे वैसे, लेकिन लंगूर और बंदर रखने वाले नहीं है। चलिए जी, समय हो चुका है आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करने का और जो लोग अंत तक ब्लॉग देख रहे होंगे उम्मीद है उनको अच्छा ही लगा होगा और जिन लोगों ने नहीं देखा होगा तो उनके लिए आप क्या ही कहें। तो फिलहाल अनुमति दीजिए आज के लिए और मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नए अवतार में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।